नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जम्मू कश्मीर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य से धारा 370 हटाने की सिफारिश की है। इसको लेकर सदन में काफी हंगामा भी हुआ है। आपको बता दें कि इस धारा को लेकर काफी लंबे समय से खींचतान होती रही है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपने हितों के लिए कभी इस पर कोई कड़ा फैसला लेने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसको लेकर जो कदम बढ़ाया गया है, उसके दूरगामी परिणाम भी सकारात्मक तौर पर सामने दिखाई देंगे। शाह ने सदन में दिए बयान के दौरान इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगाने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजने की भी बात कही है। यहां पर यह सवाल काफी बड़ा है कि आखिर धारा 370 है क्या? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रबंध के जरिए जम्मू और कश्मीर को एक विशेष स्वायत्ता वाला राज्य का दर्जा देता है। भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत जम्मू और कश्मीर को ये अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रबंध वाले राज्य का दर्जा हासिल होता है। भारत के सभी राज्यों में लागू होने वाले कानून भी इस राज्य में लागू नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर 1965 तक जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल की जगह सदर ए रियासत और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री हुआ करता था। संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू कराने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। जम्मू और कश्मीर के लिए प्रबंध शेख अब्दुल्ला ने वर्ष 1947 में किया था। शेख अब्दुल्ला को राज्य का प्रधानमंत्री महाराज हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियुक्त किया था। तब शेख अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर ये दलील दी थी कि संविधान में इसका प्रबंध अस्थायी रूप से ना किया जाए। उन्होंने राज्य के लिए कभी ना टूटने वाली लोहे की तरह स्वायत्ता की मांग की थी, जिसे केंद्र ने ठुकरा दिया था। इस धारा के मुताबिक रक्षा, विदेश से जुड़े मामले, वित्त और संचार को छोड़कर बाकी सभी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य से मंजूरी लेनी पड़ती है। राज्य के सभी नागरिक एक अलग कानून के दायरे के अंदर रहते हैं, जिसमें नागरिकता, संपत्ति खरीदने का अधिकार और अन्य मूलभूत अधिकार शामिल हैं। इसी धारा के कारण देश के दूसरे राज्यों के नागरिक इस राज्य में किसी भी तरीके की संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। क्या आपका बिजनेस आपके मन मुताबिक मुनाफा नहीं दे रहा? क्या आपका बिजनेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा? तो आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए एक शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देगा आपको आपके बिजनेस के लिए शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट, वो भी बेहद किफायती दामों पर। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 900-12-9672 और विजिट करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस.com।